कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी मॉडलिंग की तरफ आऊंगी। नहीं, सिंगिंग मैं नहीं करती, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मारिया फुरकान। मैं एक्चुअली ब्लॉगिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मॉडलिंग करती हूँ एंड एक्टिंग। आई एम अ रीसेंट ग्रेजुएट फ्रॉम लम्स फ्रॉम द बैच ऑफ 2019 एंड साथ साथ मैं कॉर्पोरेट जॉब भी कर रही हूँ एज द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। सो बेसिकली आई एम एक्चुअली लिविंग हेयर अलोन बाय माई सेल्फ। मेरे पेरेंट्स जो हैं कराची में हैं और मैं बस अपनी लाइफ एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ, डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और बस एक ये उम्मीद है कि अपना एक करियर बना सकूँ। तो आई एम, दैट्स व्हाट आई एम हेयर फॉर टुडे। मॉडलिंग मेरा करियर ऐसे स्टार्ट हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी मॉडलिंग की तरफ आऊँगी। मेरा बस यही प्लान था कि एक नॉर्मल जो कॉर्पोरेट जॉब होती है ग्रेजुएशन के बाद में वो करूँगी। लेकिन फिर हमारी लम्स में फ़ोटो लम्स एक सोसाइटी है, उसके प्रेसिडेंट जो हैं अपना एक स्टार्टअप कर रहे थे फोटोग्राफी का, तो उन्हें एक वॉलंटियरली एक मॉडल चाहिए थी। तो उसके लिए उन्होंने हमारा जो फेसबुक पेज है लम्स डिस्कशन फोरम, उस पर काफ़ी सारी लड़कियों ने अपना जो है पिक्चर्स शेयर की, मैंने भी शेयर की, तो मैं सिलेक्ट हो गई उस शूट के लिए। वो पेड नहीं था लेकिन जो पिक्चर्स हैं वो बहुत मज़े की आई और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स मुझे लोगों ने कहा कि तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करती। फिर मैंने जो है आहिस्ता आहिस्ता वही पिक्चर्स यूज़ करके ब्रांड्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया और लकीली लम्स का जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है, तो उसके थ्रू भी मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई डायरेक्टली। सो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ इट इज़। ब्लॉगिंग का ये सीन है कि मैंने जो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है मारिया फुरकान डॉट ऑफिशियल, उस पर मैं जो कुछ सोसाइटल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर मैं डिस्कस करती हूँ, बातें करती हूँ, जो चीज़ें मैं खुद ऑब्ज़र्व करती हूँ हमारी जो इन्वायरमेंट में है पाकिस्तान में। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने एक सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री कह लें या कुछ उफक है एक ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ बनाई थी ऑन द डिसफंक्शनैलिटी ऑफ मैरिजेस, के जो शादी है पाकिस्तान में प्रॉब्लमेटिक क्यों होती जा रही है। तो बेसिकली मैं इन चीज़ों के ऊपर ब्लॉगिंग करती हूँ और बस ये है कि कुछ इस उम्मीद में कि हम साथ साथ हमारी सोसाइटी को बेहतर कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। पहले तो मेरी ये सोच है कि मैं ड्रामास के लिए करूँ अभी, लेकिन मैं खुद अप्रोच नहीं कर रही हूँ हम टीवी और ये जितने भी ड्रामास के लिए, मैं खुद प्रोडक्शन हाउसेस नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं अब चाह रही हूँ कि मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब पहले लेकर चलूँ 2-3 साल, फिर इवेंचुअली। मॉडलिंग का शौक़ है, एक्टिंग का भी है, लेकिन ये कि जब आप ड्रामा इंडस्ट्री में घुस जाते हैं ना तो आपकी पूरा पूरा दिन आप सिर्फ एक्टिंग ही करते हैं, आपके लिए आपको और किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि मेरे खुद दोस्त हैं जो, मेरा खुद कज़न मॉडल एंड एक्टर दानिश वकील, हम टीवी ड्रामास कर रहे हैं, तो वो बस पूरा दिन मतलब एपिसोड्स के शूट पे ही होता है। तो ये है कि अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट मैं हम टीवी ड्रामा से लूँगी, फिर उसके बाद देखते हैं फिल्म का, अभी कुछ पता नहीं है। ये बहुत आपने अच्छी इंटरेस्टिंग बात हाईलाइट की है, इंडस्ट्री का माहौल। अब ऑब्वियसली थिंग्स आर चेंजिंग, इट्स 2020, एजुकेटेड मॉडल्स आ रही हैं, एजुकेटेड एक्ट्रेसेस आ रही हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से NCA, LUMS, LSE मॉडल्स और एक्ट्रेसेस आ रही हैं। तो ये है कि ऑब्वियसली पहले चीज़ें होती थी जो यू नो जिस पे कुछ स्टिग्मा था, लेकिन वो चीज़ें अब बदल रही हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि थिंग्स विल गेट बेटर एंड दिस इज़ अ चैलेंज दैट आई एम रेडी टू फेस एंड आई एम फेसिंग इट। तो कुछ भी अगर जैसे हरासमेंट इशू वगैरह तो हुआ नहीं अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अगर हो तो आई हैव माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, उस पर मैं एग्जैक्टली लाइक उसी वक्त एक्सपोज कर देती हूँ अगर कोई मुझसे बदतमीजी करे या मुझे इनअप्रोप्रिएट ऑफर्स दे, ताकि हम इस चीज़ को सप्रेस कर सकें सोसाइटी में। मैं मॉडलिंग के साथ साथ कॉर्पोरेट जॉब कर रही हूँ, मार्केटिंग भी साथ साथ लेके चल रही हूँ। तो एज इट्स नॉट कि मैं, मुझे ख्याल आया मॉडलिंग का, लाइक आई मैंशन अर्लियर, मेरा जो है एक आई थिंक एक्सपीरियंस ऐसा हो गया था कि एक शूट के बाद मुझे खुद ही ऑफर्स आनी शुरू हो गई और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी तालीम को ज़ाया करूँ, इसलिए मैं साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और स्पेशली मेरी दादी, उन्होंने मुझे पाला बड़ा किया, बहुत मैं उनसे जो क्लोज हूँ। पेरेंट्स हाँ ऑब्वियसली डैड थोड़े से थे यू नो स्केप्टिकल, लेकिन उनको मैंने समझाया और
अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मान गए।